सो फाइनली यहाँ पर मुझे काफ़ी लोगों ने कहा आपका अपना सीपीयू की दिखाओ और आपने क्या गेमिंग पीसी किया बनाया और इसके अंदर क्या इस चीज़ें क्या चीज़ें इसके अंदर लगे हुए हैं, तो मैं आपको पूरा पूरा स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको पीछे से बैक भी दिखा रहा हूँ। यहाँ पर तो यहाँ पर मुझे यहाँ पर ये इनपोर्ट है और यहाँ पर ग्राफिक कार्ड वगैरह भी मैंने इसके अंदर लगाया हुआ है। तो आपको मैं बता देता हूँ यहाँ पर इसके ग्राफिक कार्ड कितना है, कितना ग्राफिक कार्ड मैंने इसके अंदर लगाया है। तो यहाँ पर मुझे इसको खोलना पड़ेगा, तो यहाँ पर मुझे इसको खोलना पड़ेगा क्योंकि ये मुझे तंग कर रहा है काफ़ी ज़्यादा। आप इसको देख सकते हैं, ये मुझे तंग कर रहा है थोड़ा सा। तो यहाँ पर मुझे इसको निकालना होगा क्योंकि एक हाथ से बंदा नहीं निकाल सकता इसको, तो मुझे थोड़ा सा इसको खोलना पड़ेगा। तो दोस्तों फाइनली यहाँ पर मैंने खोल दिया, इसके अंदर ये पंखा लगा हुआ है और ये कोर i5 फोर्थ जनरेशन, यहाँ पर इसके अंदर ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है जो आपको नज़र आ रहा होगा, क्योंकि मैं आपको दिखाने का कोशिश करूँगा। ये मेरे पास ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है, इसके अंदर मैंने 500 GB हार्ड डिस्क लगाया है। और यहाँ पर मैं आपके और चीज़ें भी दिखा देता हूँ इसके अंदर क्या क्या चीज़ें। 500 GB हार्ड डिस्क है और इसी के अंदर ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है। और यहाँ पर ग्राफिक कार्ड का मॉडल है ये क्या है यार, जी यहाँ पर दिखा रहे GTX 750। तो दोस्तों आप लोग यहाँ से ग्राफिक कार्ड देख सकते हैं GTX 750 58 2 GB, और यहाँ पर ग्राफिक कार्ड जो भी लगा हुआ है इसके अंदर। तो यहाँ पर किसिंग वगैरह तो नॉर्मल है, तो आपको मैं दिखा देने का कोशिश करूँगा एक चीज़ और आपको। यहाँ पर इसके अंदर दिखा रहा है 500 GB हार्ड डिस्क लगा हुआ है, यहाँ पर ग्राफिक कार्ड का ये मॉडल है। और ये केसिंग वगैरह जो भी आपको दिखा रहा है मैं आपको खुद यहाँ पर दिखा रहा हूँ। तो ये आपको यहाँ पर सोच रहे होंगे आपको ये सीपीयू कितना का पड़ा है, तो ये मेरे ख्याल में मुझे पड़ा है ये 32-34 हज़ार का मुझे ये पड़ा है, यो ग्राफिक कार्ड ये जो लगा हुआ है 500 GB हार्ड डिस्क लगा हुआ है। और यहाँ पर कोर i5 फोर जनरेशन 8 GB रैम लगा हुआ है इसके अंदर। तो मैं आपको रैम भी दिखा देता हूँ, यहाँ पर ये इसके अंदर लगा हुआ है रैम, एक ही रैम मैंने लगाया है क्योंकि यहाँ पर मुझे बाद में अपडेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर मैं गेमें वगैरह खेलता हूँ तो मुझे दूसरा रैम भी बाय करना होगा, क्योंकि 16 कर दूंगा, 16 GB रैम काफ़ी ज़्यादा होगा। और यहाँ पर मेरे पास हार्ड डिस्क तो वही है, और यहाँ पर एक DVD रोम भी लगाया है इसके अंदर लगा हुआ है। तो यहाँ पर पहले आप लोगों ने शुरुआत में थोड़ा सा किसिंग वगैरह देखा होगा, और ये इसके अंदर पावर सप्लाई भी है, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं पावर सप्लाई 400 WPS, इसका मुझे नहीं पता यार ये कौन सा मॉडल पावर सप्लाई है, लेकिन यहाँ पर ये है। और यहाँ पर थोड़ी सी मिट्टी इसके अंदर आ गई, क्योंकि यहाँ पर मैंने ऐसे कमरे में रखा था क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मिट्टी होता है। तो आपको यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर मैंने कंप्यूटर रखता हूँ, तो दीवार के ऊपर थोड़ा सा फोकस मत करना क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी एरर हो सकती है, क्योंकि यहाँ भी ये लड़का मुझे काफ़ी ज़्यादा तंग कर रहा है वीडियोज़ बनाने में, ये काफ़ी तंग करता है। तो यहाँ पर ये काल भी आ रहा है। तो दोस्तों आप लोगों ने मेरे गेम सेटअप तो देख लिया होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी, अगर आपको ऐसे गेमिंग और या गेमिंग पीसी के रिलेटेड कोई वीडियो चाहता है तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट कर ले, मैं अगला वीडियो भी गेमिंग के ऊपर बना दूंगा। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, ऐसे ही मजीद वीडियो देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।